गाइस, जिस तरह कि आप देख रहे हैं अभी सुबह का टाइम है, तकरीबन 7:30 बज रहे हैं और मैं इस वक्त उठा हूँ। तो जिस तरह कि आप देख सकते हैं इस वक्त काफ़ी गैराज में गंद है, तो इनको खाना पानी इनको डालते हैं। और आपको तो पता है कुर्बानी के जानवरों की जितनी खिदमत करो कितना सवाब मिलता है और कितनी दिल को तसल्ली मिलती है। अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी अपनी बरकत लाए, मैं कबूल मंजूर फरमाए जी, इंशाल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। आपको मिलते हैं अगले सीन में। ये देख सकते हैं गाइस, जिस तरह कि आप देख रहे हैं मैंने गराज की सफाई कर दिया, मैं इनके लिए पानी और इनका खाना बनाने लगा हूँ, वो भी आपको दिखाते हैं। देखें गाइस, बिस्मिल्लाह करके बकरा पी रहा है। मैं इनको पानी इसलिए पहले पिला रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इनको खाना खिलाऊँगा फिर पानी पिलाऊँगा तो इनके पेट ख़राब हो जाएंगे, इसलिए इनको सबसे पहले पानी पिलाना चाहिए और फिर खाना खिलाना चाहिए। जैसे हम इंसान खाने से पहले 1-2 गिलास पानी पीते हैं ताकि खाने के दरमियान में हम पी सकें। हमारा और इनका थोड़ा सा डिफरेंट हिसाब है क्योंकि हम तो इंसान हैं, अल्लाह ताला ने हमें अकल दी है। बिस्मिल्लाह कर दो। लगता है ये रख गया, अब भी इसमें हो चुकी शायद पी लें। नहीं भाई, मैं पीछे हो गया। रही बात इस छोटे बकरे की, अब इसको पिला के चेक करते हैं, शायद ये भी है। हाँ, अंगड़ाई ले रहा है, ठीक है, इसने भी नहीं पिया। इनको प्यास लगी है, इनको पिलाते हैं। बिस्मिल्लाह, देखा, बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह करके पियो जी। यकीन माने गाइस, इनके साथ टाइम स्पेंड करना, इनकी खिदमत करना, इनको पानी पिलाना, इनका खाना डालना, इनका जो सारा कुछ है यहाँ से सफाई करनी, यकीन माने काफ़ी खुशी होती है। आप देखिए, उन्हें इतनी प्यास लगी थी, अगर मैं उन्हें खाना दे देता इस टाइम तो ज़्यादती हो जाती उनके साथ। इसलिए आपकी भी मेहरबानी, जो मेरे व्यूवर्स हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो इस बात को फॉलो ज़रूर करें कि पहले पानी, आपको भी मिलता पानी। मैं इनको और पानी देता हूँ क्योंकि पैर से पानी पी गए हैं, बस कर दो, टप नहीं छोड़, इसने में ही पानी पी। बिस्मिल्लाह, कह रहा होगा मुझे क्यों नहीं दे रहे, आपके लिए स्पेशल करके लाया जाएगा फिर एक दफा फिर से। और ये देखें गाइस, इसमें मेरे साथ कोई माशाल्लाह, ये पानी पी गए हैं, इस बकरे को ज़्यादा प्यास लगी हुई है। वो खैर, ये देखें भाई, ये मेनू खाना शुरू करता है, उन्हें इस बात की गारंटी ये देगा भी। माशाल्लाह, ये नहीं, फिर से पिए पानी खैर से। ये पानी गिरा के हम नया पानी लेके, बिस्मिल्लाह गाइस, जब पी रहा था अपने पी रहा, मुझे प्यास नहीं लगी, इनको बहुत प्यास लगी हुई है अभी भी। अगर इन्होंने पानी पी लिया ना तो अब बस करूँगा, फिर अब उसकी बारी। ये देखें गाइस, इसने इसको फंसा दिया। ओहो, आप किधर हो और दूर हो,
अब गाइस मैं इन फ्लाइट वाले को बुलाने बुलाता हूँ क्योंकि इसने पानी नहीं पिया। लाठियाँ हो रही हैं इसके साथ, वाजी वाह। दरअसल ये और वो बकरा जोड़ी है, ये लेता है। अब इन्होंने पी लिया पानी, अब इनकी बारी है खाना खाने की। मुझे बड़ा शौक है जानवरों को अपने हाथ से खाना खिलाने का, पर इस बार मैंने काफ़ी कोशिश की है, वो नहीं खा रहे, पता नहीं क्यों। गाइस जिस तरह के इन दोनों को इकट्ठा कर दिया खाने के लिए, ये अब इकट्ठे खा रहे हैं। ये देख सकते हैं गाइस, ये अब इकट्ठे खा रहे हैं। और ये दोनों को इकट्ठा किया और साफ जाहिर आप देख सकते हैं खाना नहीं खाया, तो इसको अब हम खुद खिलाएंगे। इसमें ये देखें हमारे पीछे आ गया बकरा, ये अपना खाना छोड़ के इसका खाना, इसको वापस भेज दिया है। वापस चलो उधर जाके खाओ। वो ये खाना, ये देखिए मेरा हाथ पूछ है। वे वे खाना खा, खाना खा। गाइस आप देख सकते हैं वहाँ से छोड़ के ये ब्लैक बकरा यहाँ पर आ गया इसके पास खाने, क्योंकि मैं इसे हाथ से खाना खिला रहा हूँ और हाथ से खाना खिलाने की लुत्फ अपना ही है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह करके खाएं। यकीन माने जितनी खुशी मुझे हुई है कि मैंने खाना बनाया और ये खा रहे हैं। जिस तरह कि हम सबको भूख लगी हो, हम तो घर में रोला डाल देते हैं कि हमें खाना दो, तो ये तो किसी को कह भी नहीं सकते, ना इनकी कोई ज़ुबान समझ सकता है। लेकिन जिनके घर भी बकरे आते हैं उनको चाहिए कि बकरों के साथ इतना प्यार करें कि जब बकरे कुर्बानी करने के लिए लटाया जाता है तो उनकी दिल पे छुरी फिरे, इतना प्यार होना चाहिए। और यकीन माने अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी अपनी बारगाह लाहे में कबूल मंजूर फरमाए। ये लड़ रहे हैं आपस में, ओए वो खाने नहीं दे रहा उसे, वो कहता मेरा टप है, मैं और बना दूंगा। ये देखिए ये स्पून से खा रहे हैं, वो किला खा रहा है, ये ज्यादती कर रहा है ब्लैक वाला। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातो अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातो अस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। जब तक ये चांद तारे जिल मिलाते जाएंगे, तब तक जश्ने मिलादन हम मनाते। इसको एक मिनट में ठहरो याद करो। जश्ने मिलादन हम मनाते जाएंगे, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है, कैसा नूर छाया है। जब मैं इनकी फीड बना रहा था तो वब भी मैं नाज शरीफ ही पढ़ रहा था, और यकीन माने इनकी फीड बना के बहुत खुशी हुई है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं इनको अपने हाथ से खाना खिलाऊं, पर हाथ से खाना खा नहीं रहे, पता नहीं क्यों। जिस तरह कि आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि मेरे हाथ पे वो वाइट वाला बकरा चक्की काट रहा था, माशाल्लाह। गाइस सोचे इन्हें कितनी भूख लगी होगी, और ये किसी को कह भी नहीं सकते सिवाय बोलने के। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ थोड़ी सी केयर की जाए,
जी का आप जिस तरह देख सकते हैं, ये ब्लैक वाला तंग कर रहा था इस वाइट वाले को। तो फिर मैंने क्या किया, मैं कहा ये उधर जा नहीं रहा, फिर वहाँ वाला टप मैं यहाँ ले आया और यहाँ वाला टप उसको दे आया। वो देखिए वो खा रहा था। अब देखें उसके पास चला गया खाने, ये तंग कर रहा है सबको। अरे बकरे इधर आ। जी गाइस, तकरीबन मैं उठा था 7:45 पे, अब 8:40 से भी ऊपर का टाइम हो चुका है और मैं आप लोगों के लिए जा रहा हूँ स्पेशली, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको कहा था कि मैं पार्ट टू में आपको दिखाऊंगा, तो उसी लिहाज से मैं जा रहा हूँ। जिस तरह कि आपको पता है कल ये इनकी कवरेज कर ली हमने अपने चैनल पे, अब आगे जाके दिखाते हैं आपको। जिनके लिए मैं आपको लेके जा रहा हूँ स्पेशल, वो आपको चीज़ देख के बहुत खुशी होगी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बैठने लगा, बैठने दो, से बैठने दो। गाइस ये 170 का है माशाल्लाह। ना ना उठाओ ना, 170 का है और वो 130 का। ना ना मारी ना उठ जाएगा। गाइस अब मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगा डिफरेंट डिफरेंट बच्चे और उनकी प्राइस भी। देखें गाइस, जो जो कोई ले सकता है जानवर, जो अफोर्ड कर सकता है, उन सब ने जानवर ज़रूर लिए हैं और यही जज्बा होता है। ये छोटी बात नहीं है गाइस, जिस तरह के इस वक्त हालात चल रहे हैं, महंगाई इतनी अरूज पे है, हर चीज़ के डबल रेट हो गए हैं और उसके बावजूद इतने जज्बे से कुर्बानी करनी, काफ़ी खुशी होती है और काफ़ी फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ। ये जज्बा पाकिस्तानियों में ही मिलता है पूरी दुनिया में। जिस तरह कि आपको पता है, मैं किसी को डीग्रेड नहीं कर रहा, अरब की ये रूल है कि अरब में आप लोग फ्लैट्स में बकरे ला नहीं सकते, आप लोगों को एक टोकन दिया जाएगा, आप लोगों ने कुर्बानी ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद वो टोकन लेके कुर्बानी करनी है। तो इस तरह ही है बस, जिस तरह के निज़ाम है दुनिया में, उनको चाहिए कि कुछ ऐसा रूल निकाला जाए ताकि हर इंसान अपने घर में जानवर ला सके। वाकई किसी ने सही कहा, ये ईद बकरों की ईद होती है। छोटी ईद में तो बच्चे अपनी ईदी के पीछे लगे होते हैं, बकरे ईद में बकरों के पीछे। माशाल्लाह मुबारक हो भाईजान। सामने आके कहो ना। ये देख सकते हैं आपको, अब वाकई लग रहा है कि हमारी गली में ईद है। जिस तरह का रश लग गया, अभी हम पांच अपने बकरे बाहर निकाल देते हैं, ऐसा लगेगा मार्केट लगी हुई है, पर हम ये अभी निकालेंगे। इसी के साथ ये व्लॉग यहाँ पर एंड करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस इतना टाइम देने के लिए। उम्मीद करते हैं आप हमारी वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और हमें ये भी बताएँ कि हमारी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं और कौन से मदद। बाय।